रात के समय शहर की एक गली में गणेश, मुकेश और सुरेश किसी गंजी औरत का पीछा कर रहे थे। खंभों में लाइटें लगी हुई थी, इसी वजह से वो औरत कहीं छुप नहीं पा रही थी। वो बस भागती जा रही थी। अरे ओ रेशमा, रुक जा, रात में ही तो तुझसे मिलने का मौका मिलता है और तू है कि हमसे भाग रही है। अरे चुप करो तुम लोग, रेशमा मेरे साथ आइसक्रीम खा रही थी, तुम लोगों को देखकर वो भागने लगी। ये लो, रेशमा की भी किस्मत फूटी होगी जो इस मोटे के साथ रात में घूमेगी। तीनों लोग भागते हुए ही आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक रेशमा रुक जाती है। तीनों आदमी भी रुक जाते हैं। रेशमा अब उन तीनों आदमियों की तरफ पलटती है, लेकिन ये क्या, उस गंजी औरत के सर पर धीरे धीरे बाल उगने लगते हैं और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले तो ये गंजी थी, अचानक इसके बाल लंबे कैसे हो गए। अरे वो देखो, उसके बाल तो अभी भी लंबे होते ही जा रहे हैं और उसके बाल तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अरे तुम लोग डरो मत, अपनी रेशमा इतनी खूबसूरत लग रही है रात में, चलो इसके पास चलते हैं, मुझे लगता है ये अपने बालों से हमें अपनी तरफ बुलाना चाहती है। पहली बार तुमने पति की बात कही है गणेश। रेशमा धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। गणेश, मुकेश और सुरेश रेशमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रेशमा के बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अपने बालों से उन तीनों आदमियों को लपेट लेती है। हाय रे अम्मा, हाय रे अम्मा, छोड़ मेरी गर्दन। अरे इसने तो हमें बालों में ही फंसा लिया, छोड़ मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। रेशमा अपनी शक्तियों से उन तीनों आदमियों की गर्दन को अपने बालों में फंसा लेती है और तीनों को उठाकर जमीन पर पटक देती है। तीनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। अब रेशमा के बाल सामान्य हो जाते हैं। अब वो उन तीनों आदमियों के पास आती है और उन तीनों आदमियों का पर्स मार लेती है। बड़े आए थे मेरा पीछा करने, औरत चाहे जैसी भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि रात में उसका पीछा करना चाहिए। अब पड़े रहो तीनों लोग यहीं रात भर। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही गणेश, मुकेश और सुरेश की बीवियाँ अपने पतियों को ढूंढते हुए उनके पास आ जाती हैं। ये देखो बहनों, हमने कितनी बार अपने पतियों को मना किया है कि उस चुड़ैल का पीछा मत किया करो, लेकिन हमारे आदमी लोग हैं कि मानते ही नहीं है। सही कहा बहन का तुमने, इन आदमियों को अपनी पत्नी छोड़कर दूसरों की बीवियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। प्रीति, मेनका, पहले इन आदमियों को होश में लाते हैं, उसके बाद घर जाकर इनसे हिसाब लेते हैं। अब तीनों पत्नियां पास में लगे कुएं से पानी भर भर के ढेर सारा पानी अपने पतियों पर बारी बारी से डालती हैं और उन्हें थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। अरे मेनका, तुम यहाँ, आज हम लोग यहाँ सड़क पर नहाएंगे क्या? देखो सरला, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह सड़क पर सबके सामने नहाना अच्छी बात नहीं है। गणेश, मुकेश, तुम लोग भूल गए क्या, हम लोग रात से ही यहाँ बेहोश पड़े हैं, अब भाग जल्दी यहाँ से, वरना ये तीनों हमारी बाल्टी से पिटाई करेंगी। गणेश, मुकेश और सुरेश वहाँ से भागने लगते हैं और उनकी पत्नियाँ भी अपने पतियों के पीछे पीछे भागने लगती हैं। दूसरी तरफ रेशमा फोन पर अपनी सहेली कीर्ति से बातें कर रही है। रेशमा, 6 महीने हो गए तू शहर से बाहर ही नहीं निकली, कल अपनी सहेली की शादी है, तू आ रही है ना? हाँ कीर्ति, ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ। इतना कहकर रेशमा फोन रख देती है और कुछ सोचने लगती है। मुझे अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए आज शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक साड़ी की दुकान पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रहा था। हाँ, इस दुकान पर साड़ियाँ अच्छी अच्छी है और गली में भी सन्नाटा है, भागने में आसानी रहेगी। देखते ही देखते रेशमा के बालों की चोटी लंबी होने लगती है। बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि अब उसकी चोटी उसी दुकान के अंदर चली जाती है और बहुत सारी साड़ियाँ एक साथ उन बालों में लपेट कर रेशमा वहाँ से भाग जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? डरा हुआ दुकानदार ये कहते हुए दुकान से बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक रेशमा वहाँ से गायब हो चुकी थी। साड़ियाँ तो हो गई, अब बारी है गहनों की। अब रेशमा किसी सुनार की दुकान के बाहर पहुँच जाती है और दोपहर के वक्त हर गली में लगभग सन्नाटा ही था, सिर्फ एक दो ग्राहक हर दुकान में मौजूद थे। इसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे गहने हैं। एक बार फिर से रेशमा अपने बाल लंबे करती है और दुकान से बहुत सारे गहने अपने बालों में लपेटकर वहां से भाग जाती है। दुकान वाला चिल्लाता हुआ बाहर आता है, लेकिन तब तक वो वहां से भाग चुकी थी। ये लंबे बालों वाली चुड़ैल,
ना जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अब लगता है हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इस तरह से सारी चीजें रेशमा अपने बालों से चोरी कर लिया करती थी। यहाँ तक कि वो लोगों के घर का खाना भी चोरी कर लिया करती थी। इस वजह से कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला और सारे दुकानदार बहुत परेशान हो गए। लेकिन मोहल्ले के लड़के रेशमा के नाम से पागल थे। मुकेश हर रोज बालकनी पर आता और रेशमा को देखता था। अगले दिन सुबह भी मुकेश बालकनी पर आया और रेशमा का दर्शन करने लगा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ये रेशमा। गली के बहुत सारे लड़के पहले से ही अपनी बालकनी में खड़े थे और रेशमा की खूबसूरती को निहार रहे थे। और मुकेश, आ गए रेशमा जी के दर्शन करके? चुपचाप घर के अंदर जाओ, वरना भाभी जी मार मार कर भरता बना देंगी। हमारे सामने तुम्हारी भाभी की आवाज तक नहीं निकलती, भरता तो तुम्हारा बनाया जाता होगा। इतने में उन सभी की बीवियां बालकनी में आ जाती हैं। अपनी बीवियों को देखते ही सारे मर्द आपस में काम की बातें करने लगते हैं। अरे मुकेश भाई, सुरेश भाई, चलो टाइम हो गया, ऑफिस चलते हैं। नहीं नहीं, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, सारा दिन सारी रात इसी बालकनी में खड़े रहो और उस रेशमा को निहारते रहो। सारे मर्द इस औरत के पीछे पता नहीं क्यों पागल है। इतने में उन सभी के पति बिना कुछ बोले वहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सभी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। रेशमा भी अब अंदर चली जाती है। हम सभी को मिलकर इस चुड़ैल को इस मोहल्ले से बाहर भगाना होगा, वरना हमारे पति इसके पीछे पागल ही रहेंगे। पता नहीं क्या बात है इस औरत में, इससे ज्यादा खूबसूरत तो हम सब हैं। लोग इस औरत को चुड़ैल समझते हैं क्योंकि ये अपने बाल जादू से लंबे कर लेती है, इसी वजह से तो कोई इसे बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। इतने में उस मोहल्ले से वही दुकानदार गुजरता है जिसकी साड़ियाँ रेशमा ने चुराई थी। अरे भाभी जी, नमस्ते नमस्ते, आपने जो साड़ी पहनी है वो हमारे ही दुकान की है। अरे हाँ भैया, जानती हूँ, लेकिन आज आप जल्दी घर जा रहे, दुकान नहीं खोलेंगे क्या? अरे नहीं भाभी जी, आपको पता नहीं है क्या, मार्केट में एक नई चुड़ैल घूम रही है, वे लोगों का सामान चुरा लेती है। इतना कहकर दुकानदार वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। लगता है चाचा को आज पता चला उस चोरनी के बारे में, पता नहीं वो कौन है जो लोगों के घरों से चोरी करती है। मुझे तो इसे रेशमा पर शक होता है। लगता तो मुझे भी है, पर आज तक रंगे हाथों पकड़ी नहीं गई। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। प्रीति सबको एक प्लान के बारे में बताती है। सभी को आइडिया पसंद आता है। प्रीति, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। तो जल्दी से सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं और उन्हें सारा प्लान समझाते हैं। अभी हमारे पति भी घर पर नहीं है, यही अच्छा मौका है। हाँ हाँ चलो। इस तरह उस मोहल्ले की तीनों बहुएं पहले तो पुलिस को सारा प्लान समझाती हैं, उसके बाद वो तीनों उसी गहने वाले के पास पहुँच जाती हैं। अरे बहनों, अब मेरी दुकान पर मत आओ। अरे गजोधर चाचा, क्या हुआ, आप ग्राहकों को भगा क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं बेटा, लाखों के सोने चांदी के गहने चोरी हो गए, अब बेचने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल गहने ही बचे हैं। अरे तो यही दे दो चाचा, आज ये नकली गहने पहनकर देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन आप लोग ये नकली गहने क्या करोगी? चाचा ज्यादा सवाल जवाब मत करो, आपकी दुकान में जितने भी आर्टिफिशियल गहने हैं सब दे दो, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दे दो। दुकानदार उन तीनों को सारे नकली गहने दे देता है। ठीक है चाचा, हिसाब में लिख लेना। इतना कहकर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। ले देकर यही बचे हैं, वो भी चले गए, अब दुकान खोलकर क्या फायदा, बंद कर देता हूँ। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देता है क्योंकि अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। इधर तीनों बहुएं सरला के घर पहुँच जाती हैं। काश इतने सारे असली गहने हमारे पास होते तो मजा आ जाता। अब आप लोग जल्दी जल्दी गहने पहन लो। सरला, तुम हीरे की अंगूठी पहन लो। इन सभी गहनों में वो फिट कर दिया ना? हाँ फिट कर दिया है, बस जल्दी से पहन लो आप लोग और अपनी अपनी बालकनी में खड़े होते हैं। हाँ वैसे भी रात हो चुकी है, रेशमा आने ही वाली होगी। अब तीनों बहुएं अपनी अपनी बालकनी में खड़ी होकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। तभी रेशमा भी अपनी बालकनी में आ जाती है। आ गई रेशमा, उन तीनों के गले में सोने का हार, हाथ में हीरे की अंगूठी और भी बहुत सारे गहने देखती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। अरे चलो अब खाना बनाने भी जाना है।
हाँ, मैं भी जाती हूँ खाना बनाने। रात होते ही रेशमा बाहर आती है और अपने बालों को लंबा करने लगती है। आज रात इन तीनों औरतों के करोड़ों के गहने चुराकर यहाँ से भाग जाऊंगी। जैसे ही रेशमा अपने बाल लंबे करके प्रीति के गहनों को टच करती है, वैसे ही जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और वहाँ पुलिस आकर रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है। प्लान अच्छा था, ले चलो इस लंबे बालों वाली चुड़ैल को। इस तरह से अपनी समझदारी से उन तीनों बहुओं ने लंबे बालों वाली चुड़ैल को रंगे हाथों पकड़ लिया। दुकानदार के गहने और साड़ियाँ भी वापस मिल गयी जो रेशमा ने चोरी किए थे। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अचानक से तेज हवा शुरू हो गई थी। आसमान काले काले बादलों से भर गया था। बारिश के पूरे आसार लग रहे थे। मीना अपनी गायों को लेकर अपने घर जाने की सोच रही थी। मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो अगर बारिश आ गई तो खामखा मैं बीच में ही फंस जाऊंगी। मीना अपनी गायों को बुलाने लगी। छोटी, गिन्नी, बिंदिया, चल घर चल, नहीं तो बारिश आ जाएगी। मीना अपनी गायों को बुला रही थी, तभी जोरों से बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़कने की आवाज इतनी तेज थी कि मीना के साथ साथ उसकी गाय भी डर गई और डर के मारे उसकी गाय जोर जोर से रंभाते हुए भागने लगी। अरे रुकना, कहाँ भागी जा रही हो? मीना पीछे पीछे और उसकी गाय आगे आगे भागी जा रही थी। रुक, अरे रुक ना। दुर्भाग्य से आगे एक बहुत गहरा कुआं था। मीना की तीनों गायें कुएं में गिर गई और वो उसमें डूबने लगी। मीना भागी भागी कुएं के मुंडेर के पास पहुंची तो देखा कि उसकी गाय डूबते हुए रंभा रही है। हे भगवान, मेरी गाय, क्या करूं? मीना ने आसपास कोई रस्सी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रस्सी नहीं मिली। इधर मीना की गायों की सांसें रुक रही थी। अचानक जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। मीना का जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? बारिश के साथ साथ अचानक तूफान आ गया। हवा का वेग इतना था कि वो किसी को भी उड़ा दे। अचानक तूफान के कारण मीना के बालों का जूड़ा खुल गया और उसके लंबे लंबे बाल जूड़े से बाहर आ गए। वो बाल इतने लंबे थे कि कोई भी उन बालों को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। अपने बालों को देखकर मीना ने कुछ सोचा और फिर, अरे वाह, मुझे रस्सी की क्या जरूरत, मेरे बाल है ना, मैं इसके सहारे अपनी गायों को बाहर निकालूंगी। मीना ने अपने लंबे बाल कुएं में डाले और अपनी गायों से बोली, छोटी, गिन्नी, बिंदिया, इसे अपने मुंह से दबा ले, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। कुछ ही पलों में मीना की तीनों गायें उसके लंबे बालों के सहारे कुएं के बाहर आ गई। अपनी गायों को सही सलामत देखकर उसने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि मेरे साथ रहा करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? अरे तुम लोग ही तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, और मेरा है ही कौन? कहने को तो मीना के घर में उसके पिता, दादा, दादी और एक छोटा भाई सब थे, लेकिन मीना उन सबके लिए एक बोझ की तरह थी। उस घर में उसकी हैसियत एक नौकर से भी बदतर थी। हालांकि मीना की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। 17 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तो, क्या कहा, लड़की पैदा हुई है? अरे तुझे कितनी बार कहा था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़का, लेकिन फिर भी तूने लड़की पैदा कर दी। अरे लड़की मतलब बोझ, तेरे पेट से आज बोझ निकला है और मेरे माथे पर आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं, बेटा हो या बेटी, सभी तो भगवान का रूप है। चुप कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। एक तो इतना बड़ा पाप कर दिया तूने और मुझे ज्ञान बांट रही है। मीना के दादा अमृतपाल और दादी सुमित्रा देवी ने भी पोते की उम्मीद लगा रखी थी। उन्हें भी जब लड़की पैदा होने की बात पता लगी तो उन्होंने अपने बेटे सोहनपाल से कहा, अरे गला क्यों नहीं घोट दिया अपनी बीवी का, उसे कहा नहीं था तूने कि लड़का पैदा करना? अरे कहा तो था बाबूजी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, खेल हाथ से निकल चुका है। खेल कभी हाथ से नहीं निकलता जब तक कि खिलाड़ी खुद हार ना मान जाए। इस बार नहीं अगली बार लड़का ही चाहिए, ये साफ साफ उसे बोल दे, नहीं तो उसकी और उसकी बेटी दोनों का गला दबाकर उसे पीपल के पेड़ से टांग देंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ, मीना की माँ को छोड़कर वो सभी के लिए बोझ थी, किसी को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगले साल ही मीना की माँ गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी ने उसका नाम युवराज रखा, और सिर्फ नाम ही नहीं रखा, युवराज की तरह ही उसका पालन पोषण होने लगा। गीता, मेरे बेटे को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। युवराज के जन्म से उसके दादा दादी भी बहुत खुश थे।
एक ओर जहां गीता के लिए एक भी रोटी उन लोगों को देना गवारा नहीं था, वहीं युवराज के लिए वे कुछ भी करने के लिए एक पांव पर खड़े रहते। समय बीत रहा था। मीना अब 3 साल की हो गई थी। एक दिन की बात है, छोटी सी मीना को भूख लगी थी और वो अपनी माँ से रोटी मांग रही थी, तो मीना के पिता उसके पास आए और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे गीता, तुम्हारी ये बेटी कितना खाती है, जब देखो रोटी रोटी करती रहती है। सुनो, इसे बोलो कि वो काम करेगी तभी खाना मिलेगा, मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं दूंगा मैं। आज से इसे तुम गायों को चराने भेजा करो, घर के काम करवाया करो। ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो अभी बहुत छोटी है। फिर बकवास करने लगी, जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी इस मुफ्तखोर बेटी दोनों को घर से निकाल दूंगा। हाँ, 3 साल की छोटी सी उम्र में ही मीना अपनी गायों को चराने जंगल की ओर जाने लगी। सुबह सुबह ही वो जंगल की ओर भूखी प्यासी निकल जाती और शाम को लौटती। जंगल में ही जो जंगली फल उसे मिलते वो उसे खाती। पहले तो उसे उन जंगली फलों के फायदे का पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके बाल जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। उसकी माँ को भी ये देखकर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसकी इस बात से भी सभी को चिढ़ थी। अरे ये केस चुड़ैल को जन्म दे दिया है तूने, भला इतनी छोटी सी उम्र में इतने लंबे बाल भी किसी के होते हैं। मीना का भाई युवराज भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो बाकी घर वालों की तरह ही मीना का अपमान करता और उसे भिखमंगी बुलाता। माँ, अपने घर में हम लोगों ने इस भिखमंगी को क्यों रखा है, इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते। बेटा, वो तुम्हारी बहन है। बहन? इसके कपड़े ऐसे फटे चीटे हैं, शक्ल इतनी गंदी है, ये मेरी बहन नहीं है। आप लोग पता नहीं कहाँ से इस बड़े बाल वाली चुड़ैल को उठा ले आए, इसे अभी के अभी बाहर निकालिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, उसकी माँ ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मीना के पिता को जब इस बात का पता लगा, बेशरम औरत, तुझे मैंने कहा था ना मेरे बेटे युवराज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो कहे वो करो, उसे अभी के अभी घर से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं, मीना हमारी बेटी है। तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। गीता के बहुत गिड़गिड़ाने पर सोहनपाल ने ये कहा कि देखो, युवराज ने कहा है तो वो घर में नहीं रह सकती, एक काम करो, उसे जहाँ गाय रहती है वहीं रहने बोलो, और हाँ, वो भी मुफ्त में नहीं रहेगी, हर दिन उसे गायों को चराने ले जाना पड़ेगा, और खबरदार जो उसे घर से एक रोटी भी दी तो, मैं सिर्फ उसे रहने दूंगा, खाने का इंतजाम वो खुद करे। समय और भी तेज गति से बीता जा रहा था। मीना जंगली फलों को खाकर ही बड़ी हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इन जंगली फलों के कारण ही उसके बाल और भी बड़े हो रहे हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली भी हो गए हैं। वो तो उस दिन जब उसने अपनी गायों को बचाया तब उसे इस बात का पता लगा। यही नहीं, उस दिन के बाद उसने कई बार अपने बालों की मदद से कभी डूबते बच्चे को बचाया तो कभी खड्डे में गिरी बड़ी कार को निकाला। जो भी उसके ये करामात देखता वो दांतों तले उंगलियां दबा लेता। एक दिन जब एक आदमी ने ये बात अमृतपाल से बताई तो वो इस बात को सुनकर खुश होने की बजाय गुस्से से आग बबूला हो गया और घर आकर, गीता, अरे ओ गीता, कहाँ है वो डायन, कहाँ है तुम्हारी वो लंबो बालों वाली डायन बेटी, आज के आज ही मैं उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल रहा हूँ, वो अब गौशाले में भी नहीं रहेगी। अरे तुम्हें पता है लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, मेरे घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, सर्कस में काम करने वाली पैदा हुई है, मैं ऐसी लड़की को अब एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। अमृतपाल ने मीना को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मीना अब जंगल में ही रहने लगी। दूसरी ओर अमृतपाल का बेटा युवराज अधिक लाड प्यार के कारण पूरी तरह बिगड़ गया। वो ना तो ठीक से पढ़ाई करता और ना ही घर वालों से ठीक से बातें करता। वो अपने पिता की जेब से पैसे भी चोरी करने लगा था और उन पैसों से भी कभी सिनेमा देखता तो कभी जुआ खेलता। एक दिन उसने अपनी माँ के गहने भी चुरा कर बेच दिए। जब उसके दादा दादी और माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो, आप दोनों बूढ़े बुढ़िया क्या करते रहते हैं सारा दिन घर पर, अरे कुछ काम धाम कर लिया कीजिए, खाली मुफ्त की रोटी मत तोड़िए और मुझे ज्ञान मत दीजिए। और हाँ माँ पिताजी, आपके मरने के बाद ये सब तो मेरा ही होने वाला है, तो फिर क्यों खुजली मची है आप लोगों को। युवराज की इस बात पर सभी सन्न रह गए थे। उधर बेचारी मीना जंगल में ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है, वो जंगल के बगल से गुजरने वाली रेल की पटरी के पास रेलगाड़ी देखने गई थी, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने देखा कि पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी है और उसका ड्राइवर उसमें मृत पड़ा है, शायद उसे हार्ट अटैक आया था। वहीं पर मालगाड़ी का गार्ड वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा था और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। सर जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा,
हजारों लोग मारे जाएंगे। असल में जिस ट्रैक पर मालगाड़ी फंसी थी उसी ट्रैक पर कुछ समय बाद भागलपुर एक्सप्रेस आने वाली थी। हजारों यात्री उस ट्रेन में थे। अगर मालगाड़ी को हटाया नहीं जाता तो बहुत भीषण एक्सीडेंट हो जाता। भागलपुर एक्सप्रेस बहुत ही नजदीक आ चुकी थी, ना तो उसे रोका जा सकता था और ना ही ट्रैक चेंज। मीना को जब इस बात का पता लगा तो उसने मालगाड़ी के गार्ड से कहा, सर मैं आपकी हेल्प करूंगी। तुम? लेकिन कैसे? मीना ने अपने बाल खोले और मालगाड़ी के इंजन में उसे फंसाया और जोर से बांधा। अरे ये तुम क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? बालों से भला ट्रेन कैसे खींचोगी? मीना ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बालों से मालगाड़ी को खींचने लगी। गार्ड ने जब ये देखा कि वो तो सच में अपने बालों से मालगाड़ी को खींच रही है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। पल भर बाद वहाँ भारी भीड़ लग गई। सभी मीना का ये कारनामा देख रहे थे। मीना उस मालगाड़ी को दूसरे ट्रैक पर खींच कर ले आई। उसने हजारों लोगों की जान बचा ली। सभी उसकी जय जयकार करने लगे। मीना की जय हो, मीना की जय हो। रेलवे के बड़े अफसरों ने मीना को न सिर्फ बड़ा इनाम दिया बल्कि उसे रेलवे में नौकरी की पेशकश भी की। अगले दिन हर न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी थी। उसके घर वालों को जब ये पता लगा तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। पहली बार उनके मुंह से निकला कि बेटे से तो बेटी अच्छी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।